छोटे पर्दे की दुनिया में इतनी सारी हलचल मची हुई है ना, इतनी सारी खबरें, सबसे खास वाली आपको दिखा देते हैं। हाय, दिस इज श्रुति चौधरी एंड टुडे आई एम डूइंग व्हाट्स इन माय बैग विद सास बहू एंड साजिश। तो चलिए देखते हैं क्या है मेरे बैग में। और मेरे दो बैग्स हैं, तो मैं ये कभी कभी वाला बैग है, जनरली मैं दूसरा बैग लाती हूँ, बट आज हम देखेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कभी कभी वाले बैग में क्या क्या है। पहले खोलते हैं, मेरे बैग में है चार्जर, ये मम्मी के फोन का चार्जर, तो ये है मेरे अंडर आई पैचेस, क्योंकि जब मैं शूट से घर से शूट के लिए निकलती हूँ तो थोड़ी लॉन्ग जर्नी हो जाती है, तो मैं ये पैचेस ऐसी कभी कभार लगा के आ जाती हूँ। ये है मेरा बॉडी लोशन, अगेन ये वाला ख़त्म होने वाला है, ये भी मेरा बॉडी लोशन। ये मेरा हीट प्रोटेक्टर, और ये है मेरे सारे परफ्यूम मिस्ट, सब कुछ चार चार। मेरे पास ये वेट वाइप्स है मेकअप निकालने के लिए, मैं रास्ते में भी मेकअप निकालते जाती हूँ। ये मेकअप फिक्सर है मेरा जो मैं यूज़ करती हूँ डेली। ये है मेरे दो फाउंडेशंस जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ब्राइटर शेड है और ये थोड़ा डाउन है, तो ये मिक्स करके लगाती हूँ। मेरी सनस्क्रीन, दिस इज़ मस्ट, मैं ये सब छोड़ के आ सकती हूँ घर में, बट ये मैं फिर भी, मैं अगर बाहर नहीं भी जाती हूँ, घर पे भी रहती हूँ तो भी सनस्क्रीन लगाती हूँ, बिकॉज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन। ये सारे मैंने पार्टी के लिए रखे हुए हैं कि कभी अगर मुझे शूट से जाना पड़े तो मैं ये फाउंडेशन दोनों लगाती हूँ और ये कंसीलर लगाती हूँ, और कई बार मैं शूट पे भी लगा लेती हूँ मन के हिसाब से जब मन करे तब। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, सोने के लिए कभी भी काम आ सकता है अगर मुझे अभी भी सोना हो तो। उसके बाद ये मिंट है मेरे पास, ये हमेशा मेरे बैग में होते हैं फॉर सम रीज़न, मुझे बहुत पसंद है ये सब मेरे बैग में रखना। मेरा अंडर आई सीरम सारी यही सारे सामान होते हैं मेरे बैग में, क्योंकि जब से मैं बुलबुल बनी हूँ तो मुझे रोज़ सिंदूर लगाना पड़ता है, एक नई चीज़ मेरे लाइफ में ऐड ऑन हुई है। तो ये मैं मम्मी को लगाते हुए देखती थी, पर अब क्योंकि मुझे लगाना पड़ रहा है शो में तो मैं ये रखती हूँ अपने बैग में, मतलब सुबह आती हूँ तो मैं, मेरा पर्सनल सिंदूर ही है, वही मैं लगा लेती हूँ पाउडर वाला, और वो भी लिक्विड नहीं पाउडर लगाती हूँ मैं। अब बिंदी की बारी आती है, सिंदूर और बिंदी मेरे पास होती है, मैं शूट पे आती हूँ ये निकाल के। आई थिंक इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज़ हुई है तो वो है बिंदी, और वो है ये सिंदूर की डिब्बी। तो ये है लिप पेंसिल, और ये है मेरी पेंसिल, ये मेरे बैग में रहती है, पता नहीं पेंसिल क्या कर रही है मेरे बैग में। मेरा आईलैश कर्लर, तो ये है, और एक लिप बाम है, ये मैं बहुत कभी कभी रेयरली यूज़ करती हूँ मेरे पास, और एक लिप बाम है वो मेरा रेगुलर होता है, ये कभी कभी जब मन कर, क्योंकि मैंने कहा ये मेरा कभी कभी वाला बैग है, तो यस ये लिप बाम, और ये एक छोटू सी लिपस्टिक। तो ये जो गिफ्ट है, ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट में मिला है, ये मुझे श्वेता मैम ने दिया था जो अपराजिता में मेरी मम्मा बनी थी, तो ऐसे ना बहुत सारे थे, वो पेंसिल टाइप्स में बने हुए थे गश का, सो ये एक रह गया मेरे पास और ये हमेशा रहता है, ये एक दो कहीं ना कहीं मेरे पास। अगेन एक लिपस्टिक, ये भी श्वेता मैम ने, वही ये सारे मैंने कहा ना जैसे पेंसिल बन के ये सारे आए थे। जो हमेशा मेरे बैग में, एक्चुअली मेरे कार में होते हैं अभी मेरे बैग में, और ये मेरे एक्चुअली ये मेरे ना कपड़े का बेल्ट है जो मैं पता नहीं लेके क्यों घूम रही हूँ, कभी लूज पड़ जाए कोई कपड़ा तो, मम्मी ने शायद इसी लॉजिक से इसको डाला है मेरे बैग में कि कोई कपड़ा लूज पड़ जाए तो इसे टाइट कर देना। दैट्स
दैट्स इट। तो ये था मेरा कभी कभी वाला बैग, जिसमें अभी फ़िलहाल इसमें बुक्स नहीं है, वरना मेरे बैग में बुक्स होते हैं, मेरा स्मार्ट वॉच होता है और हेडफोन्स होते हैं, पर आज मैं सब लाना भूल गई। तो ये सिर्फ खाली एक, मतलब कहते हैं ना, भूला हुआ सामान जो है वो अभी भी और है, मतलब मेरे बैग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यस, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।